दोस्तों माई रिचार्ज ऐप में लास्ट 5 ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन मौजूद है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। आपने पिछले जो भी 5 ट्रांजेक्शन किए हैं वो दिख जाएंगे। यही नहीं, यहाँ आप किसी पर्टिकुलर नंबर के भी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन इस दूसरे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कभी ऐसा हो जाए कि आपने जो अमाउंट रिचार्ज किया है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उसको भी आप इस नेक्स्ट ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। कंपनी आपको आपके पैसे वापस रिफंड करके आपके टॉप अप में ऐड कर देती है। आप यहां से लास्ट 5 रिफंड को भी चेक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, कभी अनफॉर्चुनेटली जब रिचार्ज ट्रांजैक्शन होने के बाद भी बैलेंस मोबाइल या डीटीएच में नहीं पहुंचता, लेकिन हमारे अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक या रिटेलर अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन नो नीड टू पैनिक, घबराइए नहीं। माई रिचार्ज है तो आपका रिचार्ज किया हुआ पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। माई रिचार्ज में कुछ मिनटों से लेकर 4 घंटों के अंदर आपका अनसक्सेसफुल रिचार्ज का बैलेंस वापस आ जाता है। इसमें कभी विभिन्न वजहों से ज्यादा 48 घंटों का समय लग सकता है, लेकिन आपका पैसा आपके पास वापस जरूर हो जाता है।